हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस बार भी चैत्र नवरात्रि में देवी मंदिरों में जमकर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, लेकिन देवी को प्रसन्न करने के लिए घर के वास्तु दोष का ठीक होना भी जरूरी है। आइए उज्जैन के पंडित जी से जानते हैं कि कैसे वास्तु दोष दूर होगा। क्षेत्रीय नवरात्र प्रारंभ है। क्षेत्रीय नवरात्र में हम अपने घर में सुख समृद्धि पाने की इच्छा से या हमारे जीवन में सुख शांति आए इस अभिलाषा से छोटे छोटे उपाय से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर के वास्तु को ठीक भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले रोज प्रतिदिन उठ करके अपने घर की देहरी पर सफाई करें, पानी से धो करके वहाँ पर दीप प्रज्वलित करें। दूसरा यह कि हमारे घर के द्वार पर स्वास्तिक के चिन्ह बनाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। घर के द्वार पर अशोक के पत्तों से तोरण बना करके उसका बंधन बार बांधे, जिससे भगवती प्रसन्न होती है कि मेरी अभिलाषा मेरी आशा कोई लगाए बैठा है, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नित्य प्रति संध्या के समय तुलसा माता को घी का दीप प्रज्वलित करें, जिससे माता रानी के साथ साथ पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह प्रयास करें कि 9 दिन तक किसी भी प्रकार का तामसी भोजन हमारे घर में ना बने, अधिक बघार वाला भोजन, अधिक मिर्ची वाला भोजन ना बने। माता रानी को नित्य प्रति मीठे का भोग लगावें। 9 दिन माता रानी आपके जीवन में चमत्कार करने पधार रही हैं और आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा का शमन होकर सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। इसके लिए आप सभी नवरात्रि में यह उपाय करें। जय श्री कृष्ण।